हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज अपने को गुरमुख प्यारे भाई सफाई रविंदर सिंह जी पहुँचे हैं। सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश है, जो शरीरक कष्ट आते हैं अध्यात्मक का कुदरती इलाज के बारे गुरमुख प्यारे आपां बड़ा वधिया तरीके आपां सुझा देंगे। सो आओ, सब तो पहला आप गुरमुखों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, आप जी जो अज इतने दासां दे कोल पहुँचे हो। सो वैसे तो गुरु महाराज का फैसला है, परमेश्वर से भुलिया व्यापन सब है रोग। जदों इंसान अकाल पुरख वाहिगुरु का शुकराना भुल जाता है तो रोग आने का कारण सुभाविक है, पर उस तो अलावा भी बड़े रोग ऐसे हैं जिस तरह अजक जुकाम, खंघ, गला खराब होना। सो ये उत्ते कोई आप जी चानना पाना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप जी ने दास नूं अपने स्टूडियो च बुलाया। जुकाम खंघ बारे आप जी ने जो दस्या है, सतगुरां दा फरमान है, खसम विसार किए रस भोग, तां तां उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए, वैद न भोले दारू लाए। सो ये मन का रोग है जो तन च आ जाता है, पर इनू ठीक किदां कीता जावे, क्योंकि मन करके तो सारे दुखी ने, पर हर बंदा हर इंसान मन का इलाज नहीं कर सकता। सो तन दे इलाज वास्ते कुछ इहोजे नुस्खे हैं जो बिना दवाई तो असी घर च सारा समान होंदा है जिहदे नाल असी अपने आप नूं ठीक कर सकते हैं, जिवें कि पोस्ट नैजल ड्रिप ने गले च रेशा डिगना जिहनूं कहिंदे ने, और दूसरा है साडा साइनसिस, जुकाम रहना, खांसी बहुत ज़्यादा कई बार हो जाती है तो ठीक नहीं होंदी, तो उहदे वास्ते एक सौखा इलाज है। दास ने कई बार बहुत लोगों पर एक्सपैरीमेंट किया है और सारे तकरीबन ठीक हो जाते हैं, क्विक ठीक होंगे ने, और वो वास्ते असी एक गिलास गर्म पानी का लेना, वो अद्धा नींबू, नींबू जो है वह पीले रंग का पक्का नींबू होना चाहिए, हरा नींबू नहीं चाहिए, वो खट्टा होएगा। पक्का होया नींबू अद्धा पाना, निचोड़ लेना, वो काला नमक लोड़ अनुसार जिनी जरूरत है पा लो, काला नमक ही पाना, दूजा नमक नहीं पाना। हिला के उस गर्म पानी नूं दिन च 3 से 4 बार पी लिया जाए, खांसी भी ठीक होंदी है, पोस्ट नैजल ड्रिप भी ठीक होंदे है। बहुत बार की होंदा है कि सानू पेट की खराबी करके जो है पोस्ट नैजल ड्रिप होंदा, गले च रेशा डिगदा है, वो ज़्यादातर पेट की खराबी करके होंदा है। जदों असी कुछ खा लैने हैं तो नाल ही साडे गले च रेशा बनता है, तो उहदे वास्ते ये बहुत ही सौखा, सस्ता ते वधिया इलाज है जिहड़ा हर घर च मौजूद है और हर कोई इहनूं आराम नाल कर सकदा। वैसे भी सानू पोल्यूशन तो बचण वास्ते दिन च एक अद्धी बार इस तरह गर्म पानी दे विच लूण और काला नमक ते नींबू पा के ये पी लेना चाहिए, ये सेहत वास्ते बहुत चंगा है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।